राम मंदिर प्रस्ताव पर बोले। राम गोपाल यादव राम मंदिर पर प्रस्ताव लाना अच्छी बात है, तो राम गोपाल यादव की तरफ से यह बयान दिया गया है, सुनिए आप। सर राम मंदिर पर प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसमें क्या खराब बात, अच्छी बात। सर जैन चौधरी को लेकर चर्चा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, सर प्रभु उनकी मदद करें, वो कह रहे हैं दिल जीत लिया सर। तो देखिए धर्मेंद्र जी आपने सुना, अभी तो आप बोल रहे थे, तमाम मुद्दों को आप गिना रहे थे और जो प्रस्ताव लाया गया है इस पर इसके विरुद्ध ही आपकी अभी तक जो वाणी है वो नजर आ रही थी। लेकिन राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद, वो तो बोल रहे बड़ी अच्छी बात है ये। मैंने अपने वक्तव्य में बेटियों का जिक्र किया, जिन बेटियों को निर्भस्त्र किया गया उनकी आवाज संसद में गूंजनी चाहिए या नहीं गूंजनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। मैंने मणिपुर का जिक्र किया आपके सामने, मैंने कहा नहीं। धर्मेंद्र यादव जी जब आज जिक्र दोनों सदनों में राम मंदिर पर हो रहा है तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस पार्लियामेंट में भगवान राम के मंदिर के प्रतिष्ठान का प्रस्ताव हो रहा है उसी लोकतंत्र के मंदिर में इस देश के 1000 किसानों की जो शहादत हुई है और मोदी काल में हुई है उसका उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को क्षमा प्रस्ताव लाना चाहिए। सर आपके कार्यकाल में गोलियां भी तो चली थी अयोध्या में, उसको कैसे देखेंगे आप? अब मेरी बात सुनिए ना, आपके सरकार के कार्यकाल में गोलियां भी तो चली थी, क्या उसको भूल जाएंगे आप आज अगर जब सबका जिक्र कर रहे हैं तो? हाँ बिल्कुल, आप बीजेपी प्रवक्ता करने दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर बीजेपी मैं इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा विषय कुछ और है, हम अगर दूसरे विषयों पर जाना चाहें तो उसके लिए हम अलग बहस करेंगे।